in the class of integration, that is second class. We are discussing with the fundamental formulas of integration in the first class. तो अगर यहाँ पर मैं उसी तरह से अगर जैसे कि पांच आइडेंटिटी हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के लिए, ठीक उसी तरह से अगर मैं सिक्स आइडेंटिटी का भी यूज करूँ, u plus v into dx, where u is other values and v are the other values, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है तो जैसे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंट वैल्यूज पर अलग अलग ऑपरेट होता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंटीग्रल जो ऑपरेटर है दैट विल बी ऑपरेट ऑन द u वैल्यू डिफरेंटली एंड v वैल्यू ऑन द डिफरेंट, यानी कि u into dx plus या माइनस हो सकता था यहाँ पे v into dx. फॉर एग्जाम्पल अगर इस आइडेंटिटी का बात करें, सपोज करूं मैं यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख रखा है, सपोज करूं sin ऑफ इंटीग्रेशन x / स्क्वायर + 5y * dx. सो अगर ध्यान लगाओ बच्चों तो यहां पर x वो वेरिएबल है इसको मैं इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसी क्वेश्चन में ये फंक्शन वही था लेकिन यहां पर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, यहां पर मैंने वेरिएबल y कर दिया, तो सॉल्यूशन इनके क्या बन जाएंगे? तो अगेन इनका क्या सॉल्यूशन हम करेंगे, अलग-अलग टर्म्स पर अलग-अलग ऑपरेट हो जाएगा इंटीग्रल इंटीग्रल ऑपरेटर sin ऑफ इंटीग्रेशन x / स्क्वायर * dx, ये फर्स्ट है u सम नेक्स्ट को प्लस v साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये 5y into dx, तो इस टर्म पर अलग से ऑपरेट ही होगा, इस टर्म पर ये ऑपरेट अलग से होगा, तो वैल्यूज क्या बन जाएंगी dx, x यहां पर वेरिएबल था, x को छोड़ करके बाकी टर्म्स होंगे कांस्टेंट, यानी कि y स्क्वायर आउट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और साइन ऑफ इंटीग्रेशन x into dx, तो यहां पर x की पावर 1 समझे, प्लस जो दूसरा टर्म है ये dx का वेरिएबल क्योंकि यहां पर x है खाली, दैट विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सो 5y और sin of integration dx यहां पर हम लिख सकते हैं, so the value becomes as y square और x की power 1 into dx का जो solution बन जाएगा बच्चों that is n plus 1 by n plus 1 plus 5y और dx का integration जैसे हमने पिछले identity में पढ़ा था dx equals to x, तो ये इस question का solution बन जाता है, लेकिन जैसे ही variable change किया function वही है x y square plus 5y लेकिन मैंने dy कर दिया, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन नाउ बिकम्स, अलग अलग टर्म्स पर अलग अलग ऑपरेट होगा, एक्स वाई स्क्वायर टू डी वाई प्लस प्लस ये माइनस भी हो सकता था साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये फाइव वाई टू डी वाई में यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर अगर ध्यान लगाएं देयर इज द वाई वेरिएबल टू इंटीग्रेशन, तो वाई वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करेगा बाकी टर्म्स होंगे कॉन्स्टेंट, यहाँ पर वाई टर्म है इसको इंटीग्रेशन कर देगा, अदर कोई टर्म होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, जैसे हमने पिछले आइडेंटिटीज में सॉल्यूशंस किए थे, तो यहाँ पर मैं एक्स लिख दूँ और साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये y square into dy and plus 5 constant है sin of integration और ये y into dy में यहाँ पे कर देता हूँ, तो y का जो power यहाँ पर है that is 1, तो इसका बच्चों solution बन जाएगा x और ये n plus 1 by n plus 1 plus इसका solution बन जाएगा constant k यानी कि 5 है यहाँ पे और ये n plus 1 by n plus 1, तो बस जैसे हमने variable change किया बच्चों, तो जैसे यहाँ पर dx x वेरिएबल था स्मॉल, x वाले टर्म्स पर इंटीग्रेशन किया बाकी कांस्टेंट्स, यहाँ पर dy स्मॉल y वेरिएबल था जिसको हमें इंटीग्रेशन करना था तो स्मॉल y वाले टर्म्स पर इंटीग्रेशन किया और बाकी आउट ऑफ इंटीग्रल ऑपरेटर हमने लिख दिया, तो इस तरह से उनका इंटीग्रेशन बन जाता है, जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनमें हम ये अलग अलग तरह से ऑपरेट कर देते हैं, तो इसी के साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इंटीग्रेशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जैसे कि डिफरेंशिएशन की भी कुछ आइडेंटिटीज अलग से थी, तो ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, एन की जगह 2x हो गया 5x हो गया, तो उसका सॉल्यूशन फिर बन जाएगा माइनस का कॉस 5x / 5, तो उसको मैं लिख दूंगा ठीक ऐसे ही कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका सॉल्यूशन बच्चे बन जाएगा इक्वल टू साइन एक्स ऑलवेज, अगर साइन एन एक्स अगर कॉस एन एक्स वहां पर होगा फंक्शन कहता है इंटू डी एक्स, तो cos nx का इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी sin nx / n, अगर मैं लिखता इसको cos 5x * dx तो सॉल्यूशन बन जाता sin of 5x 5x / 5, ठीक ऐसे ही डिफरेंट आइडेंटिटीज ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए हम डायरेक्ट फॉरवर्ड जो है यूज कर लेते हैं, secant square x * dx = 10x, cosecant square x * dx = - 4x, secant x * 10x * dx = secant x, और अगर ये वेरिएबल होगा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स बन जाता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक जरूरी बात नोट करने वाला ये है, मान लिया मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से बात करूं यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स वाला वेरिएबल था जिसको मैं इंटीग्रेशन करना था, तो साइन वाले टर्म्स में एक्स है यहाँ दैट इज वाई माइनस कोस एक्स, अगर मैं इसको डी एक्स लिखूं यहाँ पर और मैं इसको लिखूं साइन वाई इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर फिर उसका इंटीग्रेशन क्योंकि साइन वाई में एक्स तो है नहीं कहीं, तो साइन वाई को आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए, तो sin y आउट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x, यानी कि फिर सॉल्यूशन बन जाएगा sin of y और into x, यानी कि फिर बन जाएगा x into sin of y का इंटीग्रेशन का मतलब
कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर उसका बन जाता है, दैट इज मैं बात कर रहा था ट्रीट करने उसको साइन ऑफ वाई इंटू डी एक्स, तो साइन ऑफ वाई आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे और डी एक्स का एक्स बन जाता है, तो एक्स इंटू साइन ऑफ वाई उसका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर एक्स वाला वेरिएबल मैंने इंटीग्रेशन करना है और बाकी टर्म्स उसके लिए होंगे कॉन्स्टेंट, ऐसे ही यहाँ पर कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स इंटू डी वाई होता तो फिर मैं कोस एक्स का आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिखता यहाँ पर और डी वाई का वाई, यानी कि वाई ऑफ कोस एक्स इसका बन जाता है ठीक उसी तरह से पहले, मतलब वेरिएबल वहां पर होना जरूरी है। अगर यहाँ x है तो x वाले वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन करेंगे, y होगा तो y वाले वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी टर्म्स होंगे दो जो आउट ऑफ इंटीग्रेशन उनको हम लिख देंगे।